सो गाइस, कोरियन गेमिंग कंपनी क्राफ्टन की मोस्ट अवेटेड गेम पबजी न्यू स्टेट 11 नवंबर को रिलीज हो चुकी है, लेकिन 200 से ज़्यादा कंट्रीज में रिलीज हुई ये गेम, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यस, 1.4 GB की इस गेम को डाउनलोड करने के बाद लोग जब गेम में लॉग इन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन ब्रेक हो जा रहा है। वेल, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा भी लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वेल, चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, लगभग 2 महीने पहले पबजी न्यू स्टेट का प्री रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर पर स्टार्ट हो चुका था और रिलीज़ के पहले तक तो उसके लगभग 5.5 करोड़ प्री रजिस्ट्रेशन हो भी चुके थे। बट मानना पड़ेगा, रिलीज़ के बाद कई डिवाइसेस में जब इस गेम को इंस्टॉल किया गया तो इस गेम ने उस डिवाइस की तो बैंड बजा के रख दी। गेम को डिवाइसेस में इंस्टॉल करने के बाद उसको रन करने पर डिवाइसेस ब्रेक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई फोन्स तो सॉफ्ट और हार्ड ब्रेक भी हुए हैं। आपको बता दूं कि अगर फोन सॉफ्ट ब्रेक हो भी जाते हैं तो उनको किसी तरह से फिक्स तो किया जा सकता है, बट हार्ड ब्रेक फोन्स को सीधा स्टोर में ही फिक्स किया जा सकता है। फ़ोन के ब्रेक होने का मतलब होता है कि एक तरह से फ़ोन डैमेज हो चुका है। वेल, जनरली फ़ोन तब ब्रेक होता है जबकि उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन किया जाता है जो कि प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है, यानी कि मिसकन्फिग्रेशन उसमें होते हैं, और आप ये चीज़ ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फ़ोन ब्रेक हुआ है या फिर नहीं। फ़ोन जब ब्रेक हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और बूट स्क्रीन पर आकर फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। वेल, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जिसके कारण एक तरह की लूप क्रिएट हो जाती है जिसको कहते हैं बूट लूप। अब पबजी न्यू स्टेट के कारण क्या हो रहा है कि फ़ोन सॉफ्ट और हार्ड ब्रेक हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट ब्रेक? एक्चुअली सॉफ्ट ब्रेक का मतलब होता है कि आपका फ़ोन आधा मर चुका है, इट मीन्स इट इज़ हाफ डेड। अब सॉफ्ट ब्रेक फ़ोन में तब होता है जब आप फ़ोन के OS को अपग्रेड कर रहे हों या फिर उसके कस्टम रोम को फ्लैश कर रहे हों। वह सॉफ्ट ब्रेक फ़ोन्स को तो सपोर्टेड कस्टम रोम्स डाउनलोड करके फिक्स भी किया जा सकता है, बट हार्ड ब्रेक फ़ोन्स लगभग पूरी तरह से डेड हो चुके होते हैं। नाउ व्हाट आर हार्ड ब्रेक फ़ोन्स? वेल, हार्ड ब्रेक सॉफ्ट ब्रेक से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सॉफ्ट ब्रिक्ड फ़ोन्स में तो बूट लूप स्टार्ट हो जाते हैं या फिर स्क्रीन बूटिंग पर ही फ्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फ़ोन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए बट थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। हार्ड ब्रेक की आइडेंटिटी ये है कि इसमें बूट लूप्स तो चलेंगे ही, बट इसमें हो ये भी सकता है कि फ़ोन को स्विच ऑन करने पर स्क्रीन सिर्फ ग्रे या फिर ब्लैक कलर की दिखाई दे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि फ़ोन हार्ड ब्रेक होने के बाद आपके घर एक नया फ़ोन आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं इस गेम की प्रॉब्लम की। वेल, प्रॉब्लम एक नहीं बल्कि कई सारी हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं गेम प्ले बग से। अब गेम प्ले में दिक्कत ये आ रही है कि इसमें इनकरेक्ट पिंग शो हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ एक टेम्प्ररी एरर है सिस्टम UI के कारण। वेल, इसको सही करने के लिए गेम को ऑफ करके एक बार फिर से लॉन्च करने पर ये सही से काम करने लगता है। बात करें सेकेंड गेम प्ले बग की, तो इसमें गेम के दौरान एबनॉर्मल कलर्स शो हो रहे हैं। बग का डिस्क्रिप्शन ये है कि जिस फोन में ये गेम रन किया जा रहा है उसके OS में प्रॉब्लम है। अगला गेम प्ले बग है साउंड। जब गन को रिलोड करने के लिए कंटिन्यूसली रिलोड बटन को प्रेस किया जाता है तो उसमें साउंड नहीं आती। इवन जब आप किसी हाई प्लेस से ज़मीन पर लैंड करते हैं तो उस वक्त भी साउंड नहीं सुनाई देती। इसके अलावा जैसे कई सारे वेपन्स पिक करने के बाद भी उसकी क्वांटिटी 0 शो होना या फिर किसी वेपन को ड्रॉप करने के बाद भी वो वेपन कैरेक्टर से अलग नहीं होता है, यानी कि एक तरह से कभी कभी वेपन्स ड्रॉप ही नहीं होते। इसके अलावा इसमें एक सेटिंग इशू भी है जिसमें अगर आप अपने गेम की सेंसिटिविटी को सेट करते हैं या फिर जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करते हैं तो आपके सेट करने के हिसाब से गेम में शो नहीं होता है। यस, आप भले ही उसको सेट कर दें बट उसकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा या कम हो सकती है, बट सेंसिटिविटी को लो, मीडियम या हाई पर सेट करने पर वो सही काम करती है। इसके अलावा इसमें लॉबी बग्स भी है जिसमें चैटिंग वर्क नहीं करती है जब आप एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में 1 मिनट से ज़्यादा रन करते हैं। एंड यस, एक कॉमन प्रॉब्लम भी देखी गई है और वो ये कि जब गेम को स्टार्ट करते हैं तो वो 38% पर लोड होकर उसकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। पर कई लोगों का ये कहना था कि BGMI और पबजी न्यू स्टेट लगभग एक जैसे होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। पबजी न्यू स्टेट BGMI से बहुत ज़्यादा आगे है। पबजी न्यू स्टेट के ग्राफिक आपको 50% पबजी के PC वर्जन के ग्राफिक्स की फील देगा। इसके अलावा पबजी न्यू स्टेट एक काफ़ी हैवी गेम है। अगर आपको ये एक सबसे लो सेटिंग्स पर भी रन करना है तो आपको काफ़ी अच्छा डिवाइस चाहिए। इवन ROG 5 फ़ोन में भी इस गेम को रन करने पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जबकि उसमें Snapdragon 888 प्रोसेसर्स इम्प्लीमेंटेड हैं। गेम के लॉन्च होने पर मैक्सिमम लोगों ने गेम को इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रेटिंग्स गिरने लग गई। इट मीन्स इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट ये बात सिर्फ मुझे पता थी कि गेम्स में कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए मैंने उसे डाउनलोड नहीं किया।
पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स उन फोन में आ रही हैं जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड हैं। वे डेवलपर्स ने ये कहा है कि इस गेम के बग्स को जल्द से जल्द फिक्स किया जाएगा। वे जिन यूजर्स का फोन ब्रेक हो चुका है इस गेम की वजह से, उनके लिए ये गेम एक वायरस से कम नहीं है। वे लेट्स सी डेवलपर्स इस गेम के बग्स को कब तक सही करते हैं। बेहतर होगा तब तक के लिए BGMI को ही एंजॉय किया जाए। तो आई होप गाइस आपको इस गेम की मेन प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि गेम को इंस्टॉल करना है या फिर नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।